गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी जीपीएस कैमला में अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कुछ लाइनें आपको कहना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस जिसे हम 5 सितंबर को डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी के जन्म दिवस पर शिक्षक सम्मान के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो कि एक अध्यापक, एक आदर्श शिक्षक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, इस दिन उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर चुके हैं। शिक्षक जो कि अज्ञानता के अंधेरे को हटाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। शिक्षक समाज और छात्र दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक, गुरु, एक मित्र का काम करता है, उसके लिए अनेक भूमिकाएं निभाता है। शिक्षक का मुख्य लक्ष्य है छात्रों को ज्ञान प्रदान करना है। इसके साथ साथ शिक्षक बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ सांसारिक जीवन का ज्ञान भी प्रदान करता है। और इस तरह से अगर आपका गुरु सही है, अगर आपको सही गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो आप एक कुशल शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर और भी कई पदों पर जा सकते हैं। तो अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उसकी दी हुई शिक्षाओं का आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और शिक्षक के लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। शिक्षक ने हमें ज्ञान दिया, जीवन जीने का अभिमान दिया। शिक्षक सांसों की डोर है, बिना जिसके मिलता ना छोर है। शिक्षक कच्ची मिट्टी को अपनाता है, अपने प्यार से उसको सजाता है। शिक्षा रूपी रंग भरता है, ज्ञान से उसको घड़ता है। शिक्षक समाज का रक्षक है, फिर हम क्यों मूक दर्शक हैं। चलो शिक्षक का सम्मान करें, इस वर्षा इनको मान दें, क्योंकि शिक्षक सब दुख सहता है, तब हमको छाया देता है। जीवन का संचार करता है, हर क्षण सही राह दिखाता है। दुखों के कांटे चुनता है, सबको खुशियाँ देता है। तो ऐसा होता है शिक्षक जो चारों तरफ फैले हुए अज्ञानता के अंधेरे को हटाने का प्रयास करता है और चारों तरफ रोशनी फैलाने का प्रयास करता है। महिलाओं को एक सीख दी कि अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप सकारात्मक हैं, अगर आप स्वयं के स्वामी हैं, स्वावलंबी हैं, अपने विचारों का सम्मान करते हैं, अपने फैसले पर अडिग हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने भी अपने लाइफ में स्वयं का स्वामी बनने का सपना पूरा किया है, अपने विचारों का सम्मान किया है, जो मैं फैसला लेती हूँ उस पर दृढ़ निश्चय के साथ काम भी करती हूँ। थैंक यू RJS मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए और अपने विचारों को आपके सामने बताने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नीरज है। मेरा बेटा वंश सरकारी स्कूल कैमला के 3rd क्लास में पढ़ता है। उसकी मैम मिसेस पिंकी बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं और उनके विचार भी बहुत ही सकारात्मक हैं। साथ साथ वो हमें भी अपने विचारों से अवगत कराती रहती हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और उन्होंने हमें RJS के बारे में भी जानकारी दी और साथ साथ हमारे विचारों में सकारात्मकता पैदा की है, जिससे हम अपनी हेजिटेशन को दूर करके प्रतियोगिता में भाग ले सके। थैंक यू RJS एंड थैंक यू पिंकी मैम। थैंक यू। जो सत्य की राह